बहुत सारे लोगों की स्किन पर इस तरीके से मोटे मोटे तीखे तीखे बाल होते हैं, जिसे रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो पार्लर में भी नहीं जा पाती हैं, या फिर पार्लर में वो कराती हैं तो जो स्किन है उस पर फोड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, या फिर उनको पार्लर जाने का टाइम भी नहीं रहता है। तो ये जो रेमेडी है फ्रेंड ने, ये आप अपने हाथ पैर फेस पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर आप रेजर का इस्तेमाल करती हैं तो आपका जो बाल का ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो वाला प्रॉब्लम भी इससे नहीं आएगा और इससे आपको 100% रिजल्ट भी मिलेगा। मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, यकीन मानिए फ्रेंड, सिर्फ एक मिनट में आपके बाल पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगे, धीरे धीरे बाल का ग्रोथ भी कम हो जाएगा और बाल एकदम से ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देसी गुड़ लिया है, पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो कुछ लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि आप देसी गुड़ से बनाकर दिखाई हैं, तो एक बार रेडीमेड गुड़ यानी मार्केट वाले गुड़ से भी बनाकर दिखाइए, क्योंकि हर किसी के पास देसी गुड़ नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड यानी मार्केट वाला गुड़ लिया है, ये देखिए इस तरीके के जो गुड़ आते हैं ना, इससे भी आप आसानी से बना सकती हैं, वो मैं आपको बता आऊंगी आगे वीडियो में। ये गुड़ 1 किलो का, आधा किलो का या फिर 250 ग्राम का भी आता है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके का गुड़ ले लेना है, या फिर कोई दूसरा गुड़ है तो आप वो भी ले सकती हैं सेम क्वांटिटी में, ठीक है। अब हम गुड़ को कद्दूकस करेंगे। यहाँ पर मैं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ, आप चाहे ना तो इसे पिलर से पिल भी कर सकती हैं। इसे हमें बारीक करना है, अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो आप वो भी ले सकती हैं, यानी जैगरी पाउडर। तो इसे मैं कद्दूकस कर लेती हूँ और यहाँ पर आप देख सकती हैं जो गुड़ है ना वो अच्छे से कद्दूकस हो गया है, बस इतना ही हमें चाहिए। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो ज़्यादा भी ले सकती हैं, और बाकी चीज़ें जो इसमें ऐड करेंगे उसकी भी क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए अच्छे से इसको ग्रेट कर लिया और ये एकदम बारीक बारीक हो गया है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। बर्तन हमें वही लेना है जो मोटे तले का हो। यहाँ पर मैंने तड़का पैन लिया है, इसका जो हैंडल था ना वो निकल गया है, तो आप इस तरीके का कोई भी तड़का पैन वगैरह ले लीजिएगा। आप इसे स्टील की कटोरी वगैरह में मत बनाइएगा, नहीं तो ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा आपका ये रेमेडी, ठीक है, अच्छे से नहीं बनेगा। अब इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर। जो हमारे किचन में हल्दी पाउडर रहता है वही हल्दी पाउडर हम ले रहे हैं, और हल्दी पाउडर जो रहता है फ्रेंड ना, ये एंटीबायोटिक का काम करता है, तो आप इसमें हल्दी पाउडर ज़रूर से डालें, इससे आपके स्किन पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर को डाल दिया है। अब इसमें एक और चीज़ डालेंगे, वो है नींबू का रस। फ्रेंड जो नींबू का रस रहता है ना, ये ब्लीचिंग का काम करता है, और नींबू का रस अगर इसमें डालेंगे तो इसकी जो थिकनेस है, जो चिपचिपापन है, वो और भी अच्छे से आ जाएगा। तो 1 छोटा चम्मच इसमें नींबू का रस डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच के करीब गुड़ का पाउडर लिया है, तो 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। तो अब हम इसके बीज को निकाल देंगे, उसके बाद रस को गुड़ के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे अच्छे से पहले मिला लेना है। जब आप नींबू का रस डालकर मिलाएंगे ना, तो ये लिक्विड फॉर्म में होने लगेगा इस तरीके से। वैसे भी गुड़ में पहले से ही मॉइस्चर रहता ही है, बस इसे पानी की चाहिए रहता है। जब इसमें थोड़ा सा पानी हम डालते हैं ना, लिक्विड कोई चीज़, तो ये इस तरीके से मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने लिया है गुलाब परी यानी गुलाब जल, तो 2 छोटा चम्मच इसमें गुलाब जल डालेंगे। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप यहाँ पर नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे भी इसके साथ खूब अच्छे से मिला लेंगे। हम जब बाहर का वैक्स इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग के स्किन पर दाने आ जाते हैं, कुछ लोग बाहर वैक्स कराने में डरती हैं, मगर आज मैं आपको एकदम होममेड रेमेडी बता रही हूँ जो आपके स्किन पर किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं देगा, आपका स्किन भी काला नहीं करेगा, ना ही दाने आएंगे, और बहुत ही बढ़िया से आप इसको इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मिलाने के बाद गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और फ्लेम को एकदम लो कर देना है। उसके बाद बर्तन को हम गैस चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पर आप गलती मत करिएगा कि इसे रख के आप दूसरा काम करने लगे किचन का। आपको इसे जब बनाना है तो एकदम फुर्सत में बनाइएगा, मतलब पेशेंस से, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी करूँ या एक टाइम में 2 काम करूँ। तो सुबह में तो बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि हम हाउसवाइफ को सुबह में बहुत सारे काम होते हैं। आप इसे फुर्सत में बनाइएगा जब आपके पास टाइम हो, और इस तरीके से इसे लगातार चलाते हुए पका लीजिएगा। आपको इसे कितना पकाना है, इसका थिकनेस कितना रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं और इस रेमेडी को आपने बनाया तो आपको ये कैसा लगा, इसका अनुभव आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से पक गया है क्योंकि इसमें बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं। बस इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तुरंत इसे हमें गैस पर से उतार लेना है क्योंकि जो बर्नर रहता है ना वो भी गर्म रहता है और बर्तन भी काफ़ी गर्म है। अगर इसी पर छोड़ देंगे ना तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, हमें इसे हार्ड नहीं रखना है। इसका कैसा रहना चाहिए थिकनेस वो भी बताती हूँ, इसे पहले हटा लेते हैं उसके बाद चेक करते हैं कि ये परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ और चलिए इसको देख लेते हैं कैसे ये चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है ना, आप थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ना स्पून के पीछे वाले हिस्से पर इस तरीके से उंगली से छुइएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, ये इस तरीके से, ये देखिए ऐसे स्पून को हाथ में लेकर उसके बाद ना थोड़ा सा आप उंगली में इस तरीके से लगाकर ऐसे देखिए, देखिए जैसे कि हम तार देखते हैं ना चाशनी बनाते हैं तो बस वैसे ही, और इस तरीके से आपका लचीला होना चाहिए, ये देखिए। तो बस अभी ये बनके तैयार हो गया है, मगर एक तरीका आपको और बताती हूँ। बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, एक ड्रॉप इसके अंदर इसे डाल दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा ताकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। अभी देखिए काफ़ी गर्म है क्योंकि ये मेल्ट होते जा रहा है, थोड़ा सा और ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद इसे उठाएंगे ना तो ये एकदम लचीला सा बन के तैयार होगा। एक चाशनी रहता है ना जो कट कट करके हो जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए, हमें इसे लचीला ही रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए एकदम लचीला है ना, ऐसा ही रहेगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो आप इसे स्टोर करके टिन के डब्बे में रख दीजिए, फिर जब ये ना आपको इस्तेमाल करना हो इसको तो आप इसे ना बर्तन में निकाल कर थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल करिएगा। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, तब तक हम इसके लिए पट्टियाँ बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है कपड़े का बैग। अब यहाँ पर आपको ना कपड़े का कोई भी बैग ले लेना है, किसी भी कलर का हो चलेगा, बस कपड़े के बैग को ना खूब अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके के पट्टी को खरीदेंगी तो उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, मगर जो हम शॉपिंग वगैरह करते हैं उसके साथ में जो कपड़े का बैग मिलता है ना बस उसी से हम काम चला लेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे आपके जो हेयर है वो अच्छे से रिमूव नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट रिमूव होंगे फ्रेंड, तो इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब अपने हिसाब से आप इसे पतला मोटा छोटा जैसा चाहे वैसा काट सकती हैं। तो अगर आपको हाथ पैर का बाल रिमूव करना है तो आप बड़ा पट्टी काटें, अगर अपर लिप्स का रिमूव करना है तो आप पतला और छोटा पट्टी काटें। तो यहाँ पर मैं दोनों आपको रिमूव करके दिखाऊंगी फ्रेंड, ये 100% वर्क करता है। मगर हाँ, आप हमेशा इसे अपने फेस के लिए मत इस्तेमाल करिएगा क्योंकि जो फेस का स्किन रहता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नाजुक रहता है, तो आप अपने फेस पर हमेशा इसको इस्तेमाल मत करिएगा। कभी कभी इमरजेंसी में आप इसका इस्तेमाल बस कर लीजिएगा कि आप पार्लर नहीं जा सकती हैं या जल्दीबाजी है उस केस में, ठीक है। वैसे इसे आप अपने हाथ पैर पर ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आपको ना अपने अपर लिप्स पर हल्का सा टेलकम पाउडर लगा लेना है। पाउडर लगाने से जो हेयर छोटे छोटे रहते हैं ना वो स्किन में चिपके रहते हैं, जब आप पाउडर लगाएंगे तो वो स्किन से उभर जाएंगे और आसानी से उसके ऊपर ये रेमेडी लग जाएगा। फिर जब ये थोड़ा थोड़ा गर्म रहेगा ना तभी आपको इसे लगाना है, एकदम पूरी तरीके से ठंडा करेंगी तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। उसके बाद इस कपड़े के जो बैग को हमने काटा था ना उस पट्टी को लेंगे और इस तरीके से लगा कर खींच देंगे। आपको झटके में एक ही बार में खींचना है जिससे आसानी से रिमूव हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया काम करता है फ्रेंड, मगर मैं यही बोलूँगी कि आप अपने फेस के लिए इसे नहीं, आप अपने हाथ पैर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको हाथ पर भी लगा कर दिखाती हूँ, सेम तरीके से आपको टेलकम पाउडर लगा लेना है। स्किन को अच्छे से धो लीजिएगा पहले, क्रीम वगैरह तेल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, उसके बाद टेलकम पाउडर को लगा कर फैला कर उसके बाद इस रेमेडी को लगा लीजिएगा। यहाँ पर ये ठंडा हो गया है इसके लिए ये जल्दी से लग नहीं रहा है, इसे ना हल्का गर्म ही रखिएगा तो ये आसानी से और पतला लेयर में लगेगा। फिर उसके बाद पट्टी को रख कर अच्छे से दबा दीजिएगा, एकदम सेट कर दीजिएगा उसके साथ। उसके बाद बाल के अपोजिट साइड में आपको इसे खींचना है, एकदम आसानी से निकल जाता है। ये देखिए शायद आपको बाल नहीं दिख रहा है, मैं आपको अभी जूम करके दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बाल रिमूव हो गया है और एक ही बार में, एक भी बाल नहीं छूटा है कि छोटा या बड़ा कोई बाल छूट गया है, बहुत ही बढ़िया वर्क किया है। जबकि हमारा रेमेडी काफ़ी थिक भी हो गया है ठंडा होने के बाद, और देखिए ये बहुत ही अच्छे से काम किया है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ जिससे आपको यकीन भी हो जाएगा, बिल्कुल भी फेक नहीं है। सब बोलते हैं ना फेक वीडियो बनाती हो, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। ये देखिए आप देख सकते हो, ये देखिए,
ये तुरंत आपको रिजल्ट दिया, सिर्फ एक मिनट में आपका बाल रिमूव हो गया। कुछ रेमेडी रहता है जो 10 मिनट में काम करता है, कुछ रहता है जो महीनों तक हमें करना पड़ता है। मगर इस तरीके से आपके जो बाल है ना वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और देखिए एकदम पतले पतले मेरे बाल हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको बहुत मोटा बाल दिखा सकूँ, मगर ये देखिए बहुत अच्छे से रिमूव हो गया है। अब ना जो बचा हुआ रेमेडी है ना, इसे आप एक जार में रख दीजिए, उसके बाद जब भी यूज करना हो आप इसे हल्का सा गर्म करके यूज कर लीजिए, या फिर सेम बर्तन में रहने दीजिए, कुछ टाइम के लिए तो रख ही सकते हैं, उसके बाद इसे गर्म करके यूज कर सकती हैं। तो है ना कमाल का आइडिया, और देखिए एकदम लचीला बना है ना, बस ऐसे ही हमें बनाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया है। अब हमें रिमूव करने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ना है अपने स्किन को, क्योंकि बाल रिमूव हुआ है, बाल का जो जगह है ना वो काफ़ी खुल गया है, तो उसे हमें क्लोज करना, उसे बंद करना, उसे लॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिएगा ताकि वो पाउडर वगैरह हट जाए। उसके बाद ना आप एलोवेरा जेल लगा लीजिएगा या फिर मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लीजिएगा, जो आपको सूट करता है उसे लगा लीजिएगा, मगर इसे लॉक ज़रूर से करिएगा, क्योंकि ओपन जो पोर्शन है वो अच्छे से बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ और इसे मैं अपने अपर लिप्स पर और हाथ में दोनों जगह लगा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड एक और रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ जो और भी अमेजिंग है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड देर नहीं करते हैं, इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक बर्तन लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कच्चा दूध लिया है फ्रेंड, अगर पॉसिबल हो तो कच्चा दूध ले, यानी रॉ मिल्क ले। अगर आपके पास उबला हुआ दूध है तो आप वो भी ले सकती हैं, मगर कच्चा दूध ज़्यादा असरदार होगा। तो यहाँ पर मैंने दूध को बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, लो फ्लेम पर इसे रख देंगे गर्म होने के लिए। दूध को बॉयल नहीं करना है, इसमें से मलाई नहीं निकालना है, बस इसे हल्का गर्म करना है। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हम ये काम भी कर लेते हैं। एक दूसरा बाउल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच बेसन। यहाँ पर आप चावल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। अगर दोनों नहीं है तो आप यहाँ पर गेहूं का आटा भी ले सकती हैं। अब बेसन में डालेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप आधा छोटा चम्मच डालें, अगर किचन का हल्दी है तो 1 चुटकी डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो आपका स्किन जो है ना वो पीला पड़ जाएगा, क्योंकि इसका जो कलर रहता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अब इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के चीनी। अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो आप वो भी ले सकती हैं। यहाँ पर मैं खड़ा चीनी डाल रही हूँ, यानी खड़ा शक्कर। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे दूध। तो जो हमने गर्म करने के लिए दूध रखा था ना, वही दूध हम इस्तेमाल करेंगे। दूध को बॉयल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा सा दूध डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसका थिकनेस हमें कितना रखना है वो भी बताऊंगी। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से सब चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले ना हम इसको थोड़ा सा और थिक करेंगे, क्योंकि ये जो रेमेडी है ना बहुत पतली हो गई है। तो आधा छोटा चम्मच के करीब मैंने इसमें और बेसन ऐड कर दिया है। तो ये मैंने बेसन को इसमें डालकर अच्छे से मिला लिया है। फ्रेंड हमें इसे बार बार अच्छे से मिलाते जाना है, क्योंकि जो हमने खड़ा चीनी डाला है ना उसे मेल्ट करना है। दूध गर्म है जिससे ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा अगर हम इसे बार बार मिलाएंगे तो। अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच हनी, यानी शहद। शहद जो रहता है ये हमारे स्किन को टाइट करता है, स्किन में मॉइस्चर देता है, और जो चीनी हमने डाला है ना वो आपके जो बाल है ना उसके जड़ को कमज़ोर करेगा और जड़ को पतला भी कर देता है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 से 5 बूंद नींबू का रस। नींबू जो रहता है ये हमारे स्किन को क्लीन करता है, ब्लीचिंग का काम करता है। तो ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको नींबू सूट नहीं होता है आपके फेस के ऊपर तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। नींबू डालने के बाद खूब अच्छे से इसे मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमें डालना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, अगर बादाम का तेल है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप वो भी डाल सकती हैं। बस 4 से 5 बूंद तेल डालना है। तेल डालने से जो ये रेमेडी है ना ये बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगा हमारे स्किन के ऊपर से, और बाल को भी अच्छे से रिमूव करेगा और स्किन को रूखा सूखा होने से बचाएगा, मतलब स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। तो ये हमारा रेमेडी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गया है, अच्छे से बन गया है। तो अब चलिए दिखाती हूँ इसे कैसे लगाना है।
तो सबसे पहले आपको अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन कर लेना है, मेकअप वगैरह या फिर ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा गुलाब जल एक कॉटन में लगाएंगे, उसके बाद ना इस तरीके से एक बार वापस से क्लीन कर लेंगे। गुलाब जल से जो हम क्लीन करेंगे ना, जितना भी गंदगी रहेगा वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। इसे आप 2 दिन तक स्टोर करके रख सकती हैं फ्रिज के अंदर, और बाहर बिल्कुल भी मत रखिएगा फ्रेंड। ये जो रेमेडी है ना, सिर्फ फ्रिज के अंदर आप 2 दिन तक रख सकती हैं, और इसे लड़का या लड़की दोनों यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बच्चों की स्किन पर बिल्कुल भी इसे मत इस्तेमाल करना। अब यहाँ पर हम अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, तो अब क्या करेंगे, जो रेमेडी है ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसे इस तरीके से लगाएंगे। इसमें हमने चीनी और शहद डाला है, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा बाइंडिंग रहेगा, ये हमारे स्किन के ऊपर आसानी से चिपक जाएगा और बाल को रिमूव करने में बहुत ही बढ़िया मदद करेगा। तो बस आपको बाल के साइड में इस तरीके से लगाना है। मैं यहाँ पर अपने अपर लिप्स और चिन के बाल को रिमूव करके दिखाऊंगी। आप इसे पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकती हैं, इससे आपके फेस की स्किन पर कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई रैसेस नहीं आएगा और ना ही दाने आएंगे, क्योंकि इसमें हमने वही चीज़ डाला है जो एकदम नेचुरल है। इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल हमने नहीं किया है कि आपको डरने की ज़रूरत है कि ये हमारे स्किन को ख़राब नहीं करे। तो बिल्कुल भी मत डरिएगा, बेफिक्र होकर इसे लगा लीजिएगा। इसे लगाने के बाद आपको इसे सूखने का वेट करना है, तो पॉसिबल तो आप ना पंखे के नीचे हो जाएं ताकि अच्छे से हवा लगे। ये पूरी तरीके से नहीं सूखेगा, क्योंकि इसमें हमने जो शुगर और हनी डाला है ना, उसकी वजह से ये देखने में आपको लगेगा कि गीला ही है, मगर जब इस तरीके से छुएंगी ना, तो ये देखिए एकदम छूने से पता चल रहा है कि ये सूख गया है, मतलब हाथ में नहीं चिपकेगा। और जो बचा हुआ रेमेडी है उसे मैंने अपने हाथ में लगाने के लिए रख दिया है। अब इसे आपको ना इस तरीके से देखिए बाल के अपोजिट साइड में आपको ऐसे मसाज करना है। अगर बहुत ज़्यादा बाल है और आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सूखा बेसन या सूखा आटा उंगली में लगा लेना है, इसके ऊपर लगाना है और इस तरीके से बाल के अपोजिट साइड में मसाज करना है। फ्रेंड यकीन मानिए, इतने आसानी से अच्छे से बाल रिमूव हो जाएगा ना, कि आप सिर्फ 3-4 दिन इसे करेंगी ना, उसके बाद ही आपको लगेगा ही कि जो बाल थे वो रिमूव हो गए। और ख़ास बात ये है कि दोबारा से बाल भी नहीं आता है, मतलब बाल का ग्रोथ दिन प्रतिदिन कम होते जाएगा। तो मेरे जो अपर लिप्स पर बाल है ना, वो बहुत ही कम है, तो मैं इस तरीके से ही निकाल ले रही हूँ। बस मसाज करने के बाद कपड़े को गीला करके इस तरीके से पोंछ लेना है। अगर आपको धीरे धीरे रिजल्ट चाहिए तो आप क्या करें, इसी तरीके से करें, मगर आपको 2 हफ्ते तक लगातार इसे करना पड़ेगा। अगर जल्दी चाहिए तो आप सूखा आटा या सूखा मैदा या फिर सूखा बेसन लगाकर इसे रिमूव करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और बाल वाकई में गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये देखिए, जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करती हूँ ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पहले से मेरे अपर लिप्स पर फेस के ऊपर के जो बाल थे ना, वो बहुत ही कम हो गए हैं, काफ़ी हद तक कम हो गया है, बिना वैक्स बिना थ्रेड के। अब निकालने के बाद ना हमें क्या करना है, इस तरीके से ना थोड़ा सा एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लेना है। इसे ज़रूर से लगाइएगा फ्रेंड, क्योंकि जब हमारे रोए निकलते हैं ना, वहाँ का जगह खुल जाता है, जिससे अगर खुला ही छोड़ेंगी तो उसमें गंदगी जाएगा, क्रीम वगैरह जब हम लगाते हैं तो वो जाएगा अंदर, जिससे आपको पिंपल्स भी होने का पूरा चांस रहेगा। तो इसे लॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से हल्के हाथ से 2 मिनट के लिए मसाज करें, जब तक कि एलोवेरा जेल अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से आप हल्के हाथ से मसाज कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से लगा लिया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, रोज़ की तरह आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमेशा की तरह लाइक भी कर दीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए एक अच्छे से वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।